देश संकट में है। सुनिए व्यूअर्स, आप लोग भी सुनिए, बहुत ही अच्छा रेफरेंस दिया है हमारे गालिब भाई ने। इस हदीस, बड़ी लंबी हदीस है, उसमें से जो मेन चीज है ना वो मैं बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम तुमसे इस वक्त तक जंग करते रहे जब तक तुम सिर्फ अल्लाह अकेले की इबादत ना करने लगो या फिर इस्लाम ना कबूल करने की सूरत में जिजिया देना कबूल कर लो। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने रब का ये पैगाम भी पहुंचाया है कि इस्लाम के लिए लड़ते हुए जिहाद में हमारा जो आदमी भी कत्ल किया जाएगा वो ऐसी जन्नत में जाएगा जो इसने कभी नहीं देखी, और जो लोग हम में से जिंदा बाकी रह जाएंगे वो फतह हासिल करके तुम पर हाकिम बन सकेंगे। अब देखिए गालिब भाई, यानी नबी ने इनको ये तालीम दी है कि जब तक जंग करना है, जब तक ये मान नहीं लेते कि अल्लाह जो है सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करना है। अब ये लगा लीजिए कोई कॉलोनी, कोई बस्ती, कोई कबीला एकदम शांति से जी खा रहा है, इनके अंदर क्यों चुल हुई भाई? जाके वहां पे धमक जाए, फिर उनके सामने सब शर्तें रखें, क्या मतलब बनता है? बराबर। और शर्त भी तो देखिए, हम जब तक जंग करेंगे जब तक तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत नहीं करोगे। अच्छा, दूसरा, हाँ आजाद भाई, आपने तो हदीस पढ़ी है, मैं आयत पढ़ता हूँ। उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते और जो अल्लाह और उसके रसूल की हराम करदा चीजों को हराम नहीं जानते, ना दीन हक को कबूल करते हैं। इन लोगों से लड़ो यहाँ तक कि वो मुसलमान हो जाए, ऐसा नहीं कहा है, यहाँ तक कि वो जलील और ख्वार होकर अपने हाथों से जिजिया देना लगे। ये आयत और वो बता दे तो लोगों को, अगर किसी को डाउट है तो वो देख भी लेगा। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29। हाँ ठीक है, और इस टाइम तक इनकी तादाद बहुत बढ़ चुकी थी, ये मजबूत हो चुके थे, और इसी आयत से जुड़ी हुई सही मुस्लिम की हदीस है 45:22। हाँ, इसी आयत से जुड़ी हुई मुस्लिम, सही मुस्लिम की हदीस है 45:22। एक मिनट, अब बाद का इस्लाम उसी पे ही चला है। सही मुस्लिम और आगे क्या है? 4:52। 22। अच्छा।